अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आज का टॉपिक है एंटी रिलेशन डायग्राम्स। आज हम एंटी रिलेशन डायग्राम्स के वो टेबल बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए। तो दोस्तों, आज हम व्हीकल का टेबल बनाएंगे जिसमें हम व्हीकल की एट्रीब्यूट सेव करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे व्हीकल एंटिटी बना देते हैं व्हीकल्स के नाम से। तो उसे स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमें आईडी की ज़रूरत होगी। तो आईडी हम तकरीबन सभी में ही यूज़ कर रहे हैं, उनकी मिस हो जाए अंडरलाइन तो उसकी अंडरलाइन यूज़ करें। हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया है आईडी के नाम से, उसे ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, एंटिटी का नाम हमने कैपिटलाइज कर दिया। तो हमें इसमें एक व्हीकल का नेम एट्रीब्यूट भी चाहिए। ये व्हीकल का एक नेम भी होता है। इसके अलावा इसके जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे। मॉडल ईयर कि वो किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। कैटेगरी के व्हीकल्स में आप कह सकते हैं कि वो बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकती है। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है व्हीकल्स में। एक हमें एट्रीब्यूट भी चाहिए होगा जिसके साथ हमें चाहिए होगा उसकी कलर कि किस कलर की आपकी व्हीकल है। उसकी प्राइस कैटेगरी है, ये कैटेगरी हमें चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अलावा एक इजाफी आप दे सकते हैं एट्रीब्यूट, जब कह सकते हैं इंजन नंबर, गाड़ी का एक इंजन नंबर चलता जिससे आप कार को ट्रेस कर सकते हैं। दो एट्रीब्यूट हम बनाएंगे जो हम करेंगे। एक तो हमारा होगा आवर रेंट, आवर बेस रेंट क्या बन रहा है ये हम सेट करवाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर से एट्रीब्यूट। और डे रेंट मैं रफली रख रहा हूँ, इसको अलाइन नहीं कर रहा। डे रेंट एक दिन का उसका क्या रेंट होगा। सॉफ्ट डिलीट वाली एट्रीब्यूट हमने यहाँ से एक डुप्लीकेट कर ली है और इसको हमने थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
वैसे लाइंस के लिए जगह बन जाए। छोटी बड़ी एटीट्यूड्स आप ऊपर ले आए, बड़ी बड़ी नीचे ले आए ताकि लाइंस लगा सकें आप। हमें एक डायमंड शेप भी चाहिए होगा, क्रिएट वाला ही हम उठा लेते हैं क्योंकि इसके दरमियान भी एक रिलेशनशिप बनता है। वो रिलेशनशिप हमने बना लिया है इसके साथ क्रिएट। हमने रिलेशनशिप बना लिया है, इसकी कार्नलिटी हम सेट करेंगे। एक यूज़र जो है वो ज़रा एक से ज़्यादा व्हीकल्स क्रिएट कर सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का यूज़र है, वो एक से ज़्यादा व्हीकल जो परचेज की हुई है उसका रिकॉर्ड एप्लीकेशन में सेव कर सकता है। तो जो उसकी आईडी होगी यूज़र की, वो यहाँ पे एक से ज़्यादा आएगी व्हीकल के कॉरस्पॉन्डिंग। जो शेप्स हैं ना, इन्हें ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। अब हम एक और टेबल बना लेते हैं, इनको कनेक्ट बाद में करेंगे। वो टेबल है, यहाँ भी हम रख लेते हैं ताकि उसका कनेक्शन कर सकें। टेबल का नाम रख लेते हैं हम बुकिंग। बुकिंग व्हीकल्स, क्योंकि अगर हम बुकिंग भी बिना अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर एक ऐसा यूज़र जो कि एक से ज़्यादा व्हीकल को बुक करेगा रेंट के तौर पर, वही जो व्हीकल्स हैं किसी और टाइम में एक दूसरे यूज़र के लिए भी रिजर्व होंगी, तो उनके जो दरमियान रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा मैनी टू मैनी का। तो उसको हम ख़त्म करने के लिए एक मिडल टेबल बनाएंगे जिसमें हम रिकॉर्ड सेव करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है बुकिंग व्हीकल्स। इन का आपस में कनेक्शन के अलावा भी और इसकी एट्रीब्यूट्स होंगी, तो हम यहाँ पे बुकिंग ही रख देते हैं फंक्शंस को। तो थोड़ा सा इसको डायमंड को बड़ा कर लेते हैं। इसके दरमियान हमने लाइन लगा दी है ताकि हम बाद में जो स्पेस बचेगी उसमें हम अपनी एट्रीब्यूट को आसानी से सेट करके अलाइन करने के बाद लाइंस लगा सकेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशनशिप बन गया बुकिंग का, व्हीकल बुक हो रही है यूज़र के लिए। तो एक हमने रिलेशनशिप यूज़र का यहाँ पे भी बना दिया है ऐसे।
ऐसे कर सकते हैं, तकरीबन ऐसे। ये हम असाइन का नाम दे देते हैं कि यूज़र इसको असाइन किया जा रहा है। तो इसका अब शेप्स में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इसका रिलेशनशिप वन का बनता है, तो हम ऊपर वाली लाइन को शेप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी लाइन को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। एक डुप्लीकेशन कर लेंगे ताकि हम आसानी से जल्दी डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। दोस्तों, हमने ये कनेक्शन लगा दिया है और इसकी कार्नलिटी तो पहले ही सेट है और हमें यही कार्नलिटी चाहिए यहाँ पे। तो ये वाली कॉर्नेलिटी को हम एज ए डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमें ये ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मैनी वाली जो कॉर्नेलिटी हम डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है ज़्यादातर। अब देख सकते हैं कि ये वन टू मैनी का है, यानी कि एक यूज़र को एक यूज़र ज़्यादा व्हीकल के साथ असाइंड है और मैनी व्हीकल जो है वो वन यूज़र के साथ असाइंड है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे मिडल एक टेबल बना दिया। यही वाला जो रिलेशनशिप है कनेलिटी को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पीड अप कर सकें, हम इसको जल्द से जल्द बना सकें एप्लीकेशन की डायग्राम को। डुप्लीकेट करके हम शेर को यहाँ पे ले आए, तो हमारी क्वानिटी ये सेट हो गई है। इसके अलावा हम एक और टेबल बनाएंगे जो कि इसका लास्ट टेबल है कंप्लेंट्स का। इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं। कंप्लेंट्स का भी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंप्लेंट्स एक ही बुकिंग कार्ड की मेरी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, तो हम हैज़ वाला जो ऊपर था रिलेशनशिप वो हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हैज़ का ही रिलेशनशिप पाया जाता है एक कंप्लेन और एक व्हीकल से। तो जो कॉमन रिलेशनशिप है वो उसको हम ऐसे रख लेते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे ताकि जो स्पेस है उसे भी हम इस्तेमाल करके एट्रीब्यूट क्लियर कर सकें। और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कर सकें।
इसके लिए हमें डायरेक्टली रिलेशनशिप लगाना होगा, क्योंकि हमें तो वन का ही रिलेशनशिप चल रहा है, लाइन को हम डुप्लीकेट करके यहाँ भी लेंगे। यही लाइन यहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगी। उसके साथ ये भी अटैच हो गई है, तो हमारे तकरीबन जो रिलेशनशिप थे, टेबल्स थे, वो हमने बना लिए हुए हैं। और कॉनेलिटीज़ जो हैं, ये वन टू की मिनी कॉनेलिटीज़ आती है, तो कॉनेलिटीज़ भी हम सेट कर देंगे। हम रोटेट नहीं कर पाते, तो हम इसमें से एक ले लेते हैं, जैसे कि उसका ही डुप्लीकेट हम यूज़ कर लेंगे। और ये भी हम सेलेक्ट करके को नीचे ले आते हैं, कि वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो हम ये वाली इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा कर लें हेयर से, ये हमारे पास एक डायग्राम बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो भी अटैच भी कर देंगे और उसके एट्रीब्यूट भी बना लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके ही आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं और मैं इस चैनल के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ को मिले, तो आप उस नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकें और आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।